बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासतौर पर हिंदुओं को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच अब भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, अपने आजादी दिवस से ठीक पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जो कुछ कहा उससे हर कोई हैरान है। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान दे डाला है। बता दें, हाल ही में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर न सिर्फ वहां की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस ने, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की ओर से भी बड़े बयान सामने आ चुके हैं। पीएम यूनुस तो ये दावा कर चुके हैं कि भारतीय मीडिया आकर यहां पर हिंदुओं की स्थिति देख सकती है। दरअसल बांग्लादेश हिंसा के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सैन्य नेतृत्व ने ऐलान किया है कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि हिंदुओं के अधिकारों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सैन्य नेतृत्व ने यह ऐलान किया है कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि हिंदुओं के अधिकारों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि वो समाज के सभी वर्गों से अंतर धार्मिक सद्भाव, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। दरअसल राष्ट्रपति जरदारी ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान के संविधान के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों को सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार मिलते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ही नहीं, पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने भी हिंदुओं को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले कहा है कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। बता दें कि पाकिस्तान में कुल आबादी का 1% हिंदू जनसंख्या है, जबकि आजादी के वक्त ये 11% के आसपास हुआ करती थी। पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले के बीच पाकिस्तान का ये बयान काफी मायने रखता है। 11 अगस्त 1947 को भी पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षा का कुछ ऐसा ही वादा किया था, लेकिन इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पाकिस्तान में इसका ठीक उल्टा ही हुआ है। 1947 से लेकर साल 2024 तक के आंकड़े देखें तो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की संख्या में हमेशा गिरावट दर्ज की गई है। इस मुद्दे को लेकर मानवाधिकार संगठन ने भी कई बार पाकिस्तान को फटकार लगाई है, लेकिन फिर भी इस देश पर कोई असर नहीं होता। इन सब के बावजूद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल भारत के साथ साथ लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से अब कुछ देश चाहकर भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार या फिर उनकी उपेक्षा नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर हिंदुओं को लेकर भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का ये बयान भी इसी कड़ी का ही एक हिस्सा माना जा रहा है कि वहां रह रहे हिंदुओं को लेकर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो भारत कभी भी कोई ठोस कदम उठा सकता है। इस तरह की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।